नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। अगर हम प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल टाइप और सेक्सुअल टाइप। ए सेक्सुअल टाइप के अंदर कुछ तो नेचुरल टाइप होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मैंने बताया था कि मैन मेड मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल के अंदर मैंने बताया था जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर जहां बात आ जाती है मेथड्स की, यानी कि कुछ स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करे जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में ताकि हम न्यू प्रजनी को पैदा कर सकें। जब बात आती है मेथड्स की तो यहाँ पे सीधी सीधी बात आ रही है, हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात आ रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ लिया था, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अलावा भी कुछ प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे हाइब्रिड हम क्वालिटीज़ की जो जितने भी प्रोडक्ट ये देखते हैं, हमारे फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, ये हाइब्रिड प्रजेनी के होते हैं। और हाइब्रिड प्रजेनी में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन और अच्छे इसमें क्वालिटी में लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो पाता है। तो इसीलिए स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करके नया एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो स्पेशल मेथड जो होता है रिप्रोडक्शन में, जो कि हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल टाइप में, वो उसमें सबसे पहले होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल में, वो सबसे पहले हैंस विकलर, जिनका 1908 में उन्होंने डिस्कवर किया कि एपोमिक्सिस भी एक ऐसा टाइप है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन तो होता है बट वो एसेक्सुअल प्रोसेस को फॉर्म करता है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे टाइप को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस भी 2 टाइप्स का होता है, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। अब ये दोनों टाइप के क्या होते हैं, आगे चलो इसको पढ़ते हैं कि स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस क्या होता है और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या होता है। तो अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक नाम से ही पता चल रहा है, मैंने ऑल्टरनेशन जनरेशन बताया था तो स्पोरोफिटिक में बताया था कि स्पोरोफिटिक में जो पार्ट डेवलप होते हैं वो रूट शूट लीव होते हैं अदर देन दी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म होता है किससे, न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट लेयर जो होती है और न्यूक्लियस जो लेयर होती है उनकी, उससे फॉर्म होता है बजाय कि किसी भी गैमेटोफाइट के। गैमेटोफाइट के बिना अगर किसी ओव्यूल के न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइप के एपोमिक्सिस को हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। और ये इसके अंदर जब मैंने बताया कि जब गैमेटोफाइट के पार्ट के साथ में कोई फ्यूजन ही नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट लेयर से हो रहा है, गैमेटोफाइट के किसी भी पार्ट से नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर जो जनरेशन अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी टाइप की कोई जनरेशन, ऑल्टरनेशन जनरेशन इसके अंदर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफिटिक जनरेशन ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेशन जनरेशन नहीं होगी। गैमेटोफाइटिक पार्ट को ये फ्यूजन में नहीं कंसिडर करता है, इसीलिए स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के अंदर ऑल्टरनेशन जनरेशन देखने को नहीं मिलती है। अगर सेकंड बात करें गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, तो इसमें एम्ब्रियो जो होता है वो फॉर्म तो होता है, वो फॉर्म होता है जो हैप्लॉयड एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं उनसे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस के अंदर आता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं,
पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा होता है एपोगैमी। पार्थेनोजेनेसिस के जो अंदर जो होता है एम्ब्रियो जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू डेवलप करता है, यानी कि किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन एग का नहीं होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी फर्टिलाइजेशन का होता ही नहीं है। क्यों, जो मैंने बताया था फ्रूट का डेवलपमेंट कि जो एम्ब्रियो फ्रूट का फॉर्मेशन कर दे विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट करता है, उसी प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते थे। और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू उसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। एपोगैमी जो होता है एम्ब्रियो डेवलप करे हैप्लॉइड सेल्स के थ्रू उसको बोलते हैं हम एपोगैमी। एम्ब्रियो सैक के जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उसके थ्रू जब कोई एम्ब्रियो डेवलप करता है उसको हम एपोगैमी बोलते हैं। अब एपोमिक्सिस के भी कुछ टाइप हैं, उसे मैं आपको बताती हूँ। तो एपोमिक्सिस के फर्दर और भी पार्ट थे, उसमें सबसे पहले आ जाता है नॉन रिकरेंट, दूसरा आता है रिकरेंट। नॉन रिकरेंट जो पार्ट होता है इसमें जो होता है वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप करता है किससे, मेगास्पोर मदर सेल से मायोसिस के थ्रू। ऐसे टाइप को हम नॉन रिकरेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप होता है। हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू मायोसिस, ऐसे टाइप को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट। दूसरा आ जाता है हमारा रिकरेंट टाइप। रिकरेंट में जो होता है वो इनकम्प्लीट मियोसिस, इसमें तो मियोसिस हो रहा था इसके अंदर इनकम्प्लीट मियोसिस होता है, इट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के साथ में डेवलप करता है, जैसे कि डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम्स के मदर प्लांट से ही उसको मिलते हैं, इसलिए इसके अंदर इनकम्प्लीट मियोसिस होता है। इसीलिए इसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, डिप्लॉयड ही होता है। तो रिकरेंट के भी टू टाइप है, जनरेटिव और सोमेटिक। जनरेटिव टाइप में जो होता है एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है किसके थ्रू, आर्किस्पोरियम सेल जो कि डिप्लॉयड नंबर में होती हैं वो किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ऐसे ही सोमेटिक टाइप में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है डिप्लॉयड नंबर सेल से बट न्यूक्लियस एंड इंटेग्यूमेंट पार्ट से। इसमें जो हो रहा था वो डिप्लॉयड आर्किस्पोरियम पार्ट से हो रहा था, इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट पार्ट से किसका, सोमेटिक सेल का डेवलपमेंट होता है। यानी कि सोमेटिक एपोमिक्सिस जो है उसमें एम्ब्रियो सैक डेवलप तो होगा पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट के डेवलपमेंट के थ्रू होगा, और जनरेटिव के अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप तो होगा पर डिप्लॉयड आर्किस्पोरियम सेल्स के थ्रू होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एडवेंटिव टाइप, दूसरा चौथा आ जाता है हमारा वेजिटेटिव टाइप। आगे आ जाती है हमारी नॉन रिकरेंट और रिकरेंट के बाद में चौथा जो तीसरा जो टाइप आता है वो होता है एडवेंटिव टाइप। ये सारे टाइप जो हैं एपोमिक्सिस के चल रहे हैं। एडवेंटिव टाइप में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप तो करता है किसके थ्रू, हैप्लॉइड सेल जो कि न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट के होते हैं बट एम्ब्रियो सैक के बाहर, यानी कि हैप्लॉइड सेल एम्ब्रियो जो डेवलप करता है हैप्लॉइड सेल जो कि न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट के होते हैं उनके थ्रू डेवलप करता है बट एम्ब्रियो सैक के बाहर डेवलप करता है, ऐसे टाइप को हम एडवेंटिव टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बोलते हैं, जो कि जिसका एग्जाम्पल है लेमन और मैंगो। दूसरा आ जाता है हमारा वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव टाइप में जो कुछ प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर जाती हैं किसके बजाय, फ्लावर के इन्फ्लोरेंसेंस पार्ट के बजाय वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं वो डेवलप कर जाती हैं, ऐसे टाइप को हम वेजिटेटिव टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये जो है बहुत ईजिली ग्रो कर पाते हैं, इनके लिए एग्जाम्पल है ओनियन और एगी। तो ये तो पार्ट हुआ हमारा एपोमिक्सिस का ख़त्म, कि एपोमिक्सिस के ये पार्ट होते हैं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो
रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन चल रही थी प्लांट्स के अंदर, उसमें मैंने एपोमिक्सिस बता दिए थे, उसके टाइप्स बता दिए थे। सेकंड आ जाती है हमारी एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी में क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन और बाई एबनॉर्मल सेल, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। यानी कि सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, या सीड का फॉर्मेशन किसी एबनॉर्मल सेल्स के थ्रू हो रहा हो, ऐसे टाइप को हम एगेमोस्पर्मी बोलते हैं। ए मतलब कि विदाउट, गैमो मतलब कि गैमेट का फ्यूजन, यानी कि विदाउट गैमेट के फ्यूजन के बाद जो स्पर्म्स, स्पर्मी यानी कि जो प्रोजेनी बनती है, सीड्स का प्रोडक्शन होता है, उसको हम एगेमोस्पर्मी टाइप बोलते हैं। इसमें जो होता है सीड जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं बट जो उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो मदर प्लांट के होते हैं। अगर ये हुआ हमारा दूसरा टाइप एगेमोस्पर्मी। तीसरा टाइप आ जाता है हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, ये माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है ये कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। जब हमें लार्ज अमाउंट में कोई प्रजनी चाहिए होती है स्पीसीज़ को, अगर हमें हाइब्रिड कंडीशन करनी होती है तो हम माइक्रो प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए हम माइक्रो प्रोपोगेशन यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो किसी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल के टिश्यू होते हैं या उसका कोई ऑर्गन होता है या फिर जो कंप्लीट सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं, उस मेन प्लांट पे से सेपरेट करते हैं और उसको केमिकली टेक्निक से एक स्पेशल कंडीशन देके उनको ग्रो किया जाता है। इनको ग्रो करने के लिए किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये केमिकली एक तरीके से क्लोन फॉर्म में डेवलप होते हैं। और इनका क्लोन फॉर्म में डेवलप होने से क्या होता है कि ये लार्ज अमाउंट में हम इनकी प्रोजेनी को डेवलप कर पाते हैं, तो ऐसे टाइप को हम माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन को हम अदर चैप्टर में, आगे जब हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक मेथड है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करा सकता है और ये कमर्शियल यूज़ में सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोपोगेशन को ही हम इस्तेमाल में लेते हैं। और चौथा हमारा जो टाइप आ जाता है वो होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर टू टाइप्स मैंने बताए थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो खुद ही हो जाए, आर्टिफिशियल जो मैनमेड के थ्रू हो, कि जिसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग मैंने बताई थी। और इनके अंदर वेजिटेटिव के अंदर मैंने जो नेचुरल थे उनके अंदर मैंने आपको बता दिया था स्टेम, रूट और लीव्स के थ्रू किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। तो ये तो हुआ हमारा क्या, एक ये मेथड्स जिसमें हमने एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद आ जाती है हमारी पॉली एम्ब्रियोनी। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।